सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और मैं उम्मीद करता हूँ यू ऑल विल बी स्टेइंग सेफ एट योर होम। कोविड के इस मुश्किल टाइम में आप लोग अच्छे से सुरक्षित होंगे और कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। देखो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अगर एग्ज़ाम निकालना है, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो बेसिकली गाइस, हमारा आज का ये जो लेक्चर है, आज हम बात करने वाले हैं अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। आज हम झारखंड के सारे एस्पेक्ट को देखेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, झारखंड क्यों बना, बनने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, इसके मिनरल रिसोर्स, इसके रिवर्स, डैम्स, ट्राइब्स, देयर फेयर्स। इसके अलावा हम लगभग हर उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है झारखंड को लेके। ये लेक्चर में बताऊँ कि हर उस स्टूडेंट, हर उस एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। क्योंकि देखो, ये जो मैं लेक्चर आपके लिए तैयार कर रहा था ना, तो मुझे इसमें काफ़ी वक्त लगा। इस लेक्चर को मुझे आप तक लाने में सच में काफ़ी वक्त लगा है, मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस पर। ये लेक्चर एक पार्ट में तो आ नहीं पाया, ये इस लेक्चर के 3 पार्ट आने वाले हैं। ये पार्ट 1 है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो, एक इंग्लिश में बहुत सी सेइंग है, किसी ने कहा भी है कि इट इज़ बेटर टू नो द माउंटेन बिफोर यू वांट टू क्लाइंब इट। कि अगर आप किसी पहाड़ पर चढ़ाई करना चाह रहे हो ना, तो उस पहाड़ की एक अच्छी समझ रख लो। तो अगर आप झारखंड के किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने का सोचे हो, किसी एग्ज़ाम को निकालने का सोचे हो ना, तो कम से कम झारखंड का एक पूरा ओवरव्यू आपके दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। आपको पूरी समझ होनी चाहिए कि भाई, हम अपने स्टेट के बारे में लगभग बहुत ना सही, तो कम से कम इतना तो जान के रखें। तो बिलीव मी, ये जो मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है ना, इस कंटेंट का एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम का एक प्रश्न है, या आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में टकरा जाएगा। और अगर आप बहुत कुछ नहीं भी जानते हो, तो कम से कम इस लेक्चर को एक मिनट मिस मत करना, क्योंकि मैंने जितना पॉइंट इसमें दे रखा है ना, ये सब आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आएंगे या आए हुए प्रश्न हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब में शायद ऐसा कंटेंट अवेलेबल है, बाकी आप लोग अभी देखो। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के बारे में, और बहुत विस्तृत से हम बात करेंगे और सारे चीज़ों को बहुत आसानी से सीखते चलेंगे। आप बस प्यार से पढ़ो, मैं मक्खन की तरह पढ़ाने वाला हूँ, और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, दे कैन ज्वाइन आवर चैनल। जो लोग जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल नेम इज़ हमारा झारखंड, एंड गाइस, दिस इज़ मी, योर मेंटर एंड गाइड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। झारखंड एट ए ग्लांस और ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये झारखंड का हमारा मैप है, ये हमारा स्टेट का मैप है। और ये झारखंड का ये जो मैप है, इसका शेप क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप का है। कैसा शेप का है? एक क्वाड्रिलेटरल शेप का है। और ये जो आप देख रहे हो, ये कलरफुल चीज है, ये डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के। आज प्रेजेंटली झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में, 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। अच्छा, आज का जब लेक्चर चलेगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पेन और पेपर है कम से कम एक कॉपी लेके बैठो, क्योंकि मैं देखो आज बहुत सारे चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। मैं बहुत जगह लीक से हट कर ये बात करूँगा, और जब मैं लीक से हटूँगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देने की कोशिश करूँगा ना, तो आप उसको नोट डाउन करो, क्योंकि बिलीव मी, वो भी ना कहीं एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन होगा, मैं आपको वही बताऊँगा जो आपके टॉपिक से रिलेवेंट होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, या जो एग्ज़ाम में आता होगा। कि मैंने पूरा लेक्चर ही वैसे डिज़ाइन किया है कि देखो यार, एज ए होल झारखंड को आपको समझ के रखना है। आप झारखंड के रहने वाले हो, आप स्टेट के एग्ज़ाम को लिखोगे ना, तो झारखंड के मैक्सिमम चीज़ आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए यार, ताकि एग्ज़ाम में जब आप बैठो ना, तो कम से कम 10 क्वेश्चन में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, 4-6 क्वेश्चन बना सको। सो आइए देखते हैं, ये हमारा झारखंड का मैप है, हमारा स्टेट का शेप कैसा है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप है, और आज प्रेजेंटली 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, ये सबको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम जो बात करने वाले हैं ना, अभी हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं। देखो, जो पहली चीज निकल के आती है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि बिहार को काट के एक नया स्टेट बनाना पड़ा, कि आखिर झारखंड बना क्यों, क्या रीजंस थे झारखंड के फॉर्मेशन के पीछे कि झारखंड को बनाना पड़ा, किस व्यक्ति ने इसकी पहली मांग की थी, आखिर यह पूरा कार्यक्रम चला कैसे, क्या मूवमेंट हुआ, किस पार्टी ने कितनी इसकी डिमांड की,
और आखिर किन कारणों से फाइनली बिहार से टूटकर एक दूसरा राज्य निकला जिसे हम झारखंड कहते हैं। वैसे मैं बताऊँ, झारखंड बहुत ही खूबसूरत राज्य है। यू आर गोइंग टू फाइंड लस्ट एंड ग्रीन इन्वायरमेंट एवरीवेयर। झारखंड हैज बीन ब्लेस्ड विथ ह्यूज नेचुरल रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, रिच फ्लोरा एंड फौना। आपको झारखंड एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है, एंड चूंकि मैं भी झारखंड का रहने वाला हूँ तो आई लव दिस स्टेट। तो चलिए हम समझते हैं कि बाकी कि झारखंड आखिर बना कैसे। तो जो पहला नाम, जब झारखंड की आप बात करोगे तो जो पहला नाम निकल के आता है, द फर्स्ट मैन हु सजेस्टेड द आइडिया टू सेपरेट द साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार एंड फॉर्म्ड ए न्यू स्टेट वाज जयपाल सिंह मुंडा। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये एक आइडिया दिया था कि भाई बिहार का साउदर्न पार्ट को तुम अलग करके एक नया राज्य दो हमें जिसका नाम झारखंड हो। तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में हम जानते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 1983 में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन ए विलेज कॉल्ड संथाली नियर रांची, और उन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। ही वॉज ए ब्रिलियंट गाई, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस भी निकाला था। और ये जो डिमांड था ना कि बिहार के साउदर्न पार्ट को काट के एक नया स्टेट दो, ये 1929 में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के सामने अपना ये डिमांड रखा था, लेकिन साइमन कमीशन ने उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। अब थोड़ा समझो एक चीज को, जयपाल सिंह मुंडा ने क्या कहा। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि बिहार के साउदर्न पार्ट को काट के एक नया स्टेट बनाओ। तो देखो साउदर्न पार्ट था क्या, ये देखो ये इंडिया का मैप है और ये रहा हमारा बिहार, ये रहा हमारा बिहार। और ठीक देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यही होता है ना। तो बिहार का ठीक जो साउदर्न पार्ट था ये रहा हमारा प्यारा झारखंड। तो जयपाल सिंह मुंडा का आइडिया यही था कि बिहार का जो साउदर्न पार्ट है, जो दक्षिणी भाग है, इसको काट कर एक नया स्टेट बनाया जाए जिसे वो झारखंड के रूप में नाम देना चाहते थे, एक नया स्टेट। अब हम चलते हैं फिर अपने जयपाल सिंह मुंडा ने ये डिमांड ब्रिटिश इंडिया के सामने रखी थी 1929 में, जिसे साइमन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद अगेन इन 1939 उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की। ही फॉर्म्ड आदिवासी महासभा ताकि इस आइडिया को एक मजबूत नींव मिल सके, एक आधार मिल सके। तो ये सब जो बातें थी, ये 1929 में इन्होंने डिमांड किया, 1939 में आदिवासी महासभा बनाया, ये सब इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले की बात थी। लेकिन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उनके सामने भी ये प्रपोजल रखा। 1949 में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी ये प्रपोजल रखा कि हाँ हमें बिहार का साउदर्न पार्ट अलग करके एक नया स्टेट दो, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने भी इनका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तो आखिर क्या कारण थे, आखिर क्या क्या कारण जयपाल सिंह मुंडा ने दिया था जिसको लेकर वो एक सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे थे। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर सेपरेट स्टेट का मांग हो क्यों रहा था। देखो जो रीजन जयपाल सिंह मुंडा ने दिया था, पहला था कि लैंग्वेज एंड कल्चर डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस। देखो बिहार में जो लैंग्वेज बोला जाता है ना, वो इंडो आर्यन ग्रुप का लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे कि आपको पता होगा बिहार में क्या बोली जाती है, मगधी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका, भोजपुरी। तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो बिहार का लैंग्वेज है, जैसे अंगिका हो गया, मगधी हो गया, मैथिली हो गया, बज्जिका हो गया, भोजपुरी हो गया, ये सब जो लैंग्वेज है ना वो इंडो आर्यन ग्रुप के लैंग्वेज है, ये इससे बिलोंग करते हैं। लेकिन झारखंड में जो लैंग्वेज बोला जाता था वो द्रविड़ियन ग्रुप के लैंग्वेज थे, जैसे हो, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली। सो एक तो लैंग्वेज डिफरेंस था, दूसरा पॉपुलेशन डिफरेंस भी था।
बिहार में 1% ट्राइबल पॉपुलेशन था जबकि झारखंड में 24% ट्राइबल पॉपुलेशन था। मतलब वो जो दक्षिणी भाग जिसकी वो बात कर रहे थे, जिसे उससे अलग करना चाहते थे, उसमें 24% ट्राइबल पॉपुलेशन था। तीसरा कि बिहार जो था उसके बहुत सारे पार्ट डेवलप्ड थे, बिहार के बहुत सारे पार्ट क्या थे, डेवलप्ड थे, लेकिन झारखंड के पार्ट मैक्सिमम पार्ट जो थे अनडेवलप्ड थे। ठीक है, अब ये क्यों? देखो पता होगा कि बिहार जो था मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा है या मगध एम्पायर रहा है, लेकिन झारखंड ये जो पार्ट की बात वो कर रहे थे दक्षिणी भाग की, ये मगध और ये कलिंगा के बीच का हिस्सा था, मगध और कलिंगा के बीच का हिस्सा रहा है, इसलिए वो कम डेवलप्ड रहा है, लेकिन बिहार चूंकि मगध साम्राज्य का एक हिस्सा रहा है तो वो डेवलप्ड था। चौथी बात वो टोपोग्राफी या ज्योग्राफिकल फैक्ट था कि देखो बिहार के मैक्सिमम जो भूभाग है ना वो समतल है, बिहार में गंगा भी बहती है, तो प्लेन गंगटिक प्लेन होने की वजह से ना बिहार कृषि के लिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। तो बिहार का जो मैक्सिमम भूभाग है वो प्लेन है, समतल मैदान है, और वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए बिहार अच्छा था। लेकिन झारखंड में मैक्सिमम जो भूभाग थे, जो लैंड थे, वो या तो माउंटेनियस थे या तो प्लेटूज थे, मतलब पहाड़ी क्षेत्र थे, पठार झारखंड में पठार थे, तो ये और यहाँ पे मिनरल्स बहुत अधिक थे, मतलब झारखंड जो था ना दैट वाज गुड फॉर इंडस्ट्री एंड माइनिंग, लेकिन बिहार एग्रीकल्चर के लिए अच्छा था। सो यही सब कारणों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी ये प्रपोजल रखा कि आप बिहार के साउदर्न पार्ट को काट के एक नया स्टेट बनाओ झारखंड, और हमें वो स्टेट दो। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था। सो फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने क्या किया कि ये जो आदिवासी महासभा है ना इसको खत्म करके एक झारखंड पार्टी बनाया इन्होंने। 1949 में ही इस आदिवासी महासभा को ख़त्म करके झारखंड पार्टी का फॉर्मेशन किया, और 1963 में जब बिहार में इलेक्शन हुआ तो इस झारखंड पार्टी ने जो साउदर्न पार्ट था बिहार का, जिसकी बात हम मैं शुरू से कर रहा हूँ, उसके सारे 32 के 32 सीट चुनाव में इस झारखंड पार्टी ने जीत ली है, और ये बहुत बड़ी जीत थी। और उस समय 1963 में जो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने वो मिस्टर के बी सहाय थे, श्रीमान के बी सहाय बने। के बी सहाय बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि इस झारखंड पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया और जयपाल सिंह मुंडा को इससे बाहर कर दिया। तो जयपाल सिंह मुंडा के बाहर होने के बाद और झारखंड पार्टी का कांग्रेस विलय होने के बाद लगभग 1970 आते आते तक ना वो जो आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट था ना वो ख़त्म हो गया, लगभग ख़त्म हो गया था। लेकिन एक व्यक्ति थे एनी होरो, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ये इनका नाम एनी होरो है, ये जयपाल सिंह मुंडा के फॉलोअर थे, इन्होंने कहीं ना कहीं इस आइडिया को जीवित रखा था। और ठीक इनके बाद आए हमारे शिबू सोरेन साहब, जिन्होंने 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना की और फिर से एक सेपरेट स्टेट की मांग जोर पकड़ने लगी। अब देखो ये जो 1963 से 1970 के बीच का पीरियड था ना बिहार के, यू कैन से कि दैट वाज द डिजास्ट्रस फेज ऑफ बिहार। 7 साल में 7 चीफ मिनिस्टर बिहार में बदल चुके थे, और मुझे जहाँ तक याद है कि 5 महीने में 4 चीफ मिनिस्टर बदले थे, कुछ चीफ मिनिस्टर कुछ मुख्यमंत्री तो कुछ दिन के लिए बने थे, जैसे मुझे याद आ रहा है महामाया प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिंह, भोलानाथ पासवान, बीपी मंडल, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बने वो कुछ दिन के लिए थे। तो बिहार का डिजास्टर फेज रहा है 63 to 70। शिबू सोरेन ने जब 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और फिर से वो आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट जोर पकड़ने लगा, तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और प्रोटेस्ट थोड़ा बढ़ गया तो उन्होंने COJM फॉर्म किया, जिसे हम बोलते हैं कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स, और इस कमेटी को निर्देश दिया कि तुम एक काउंसिल बनाओ और ये देखो कि ये जो डिमांड है झारखंड बनने की कि कितना जायज है, इसका आधार क्या है, क्या रियली इसकी आवश्यकता है। सो इन 1995 द नोटिफिकेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड एरिया ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल जिसे जाक बोलते हैं, वो इसी हुआ। जाक का मेन फंक्शन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के बीच में ना वो एक मीडिएटिंग लिंक थी कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच में बात करे और समझे कि झारखंड का जो डिमांड हो रहा है सेपरेट स्टेट का वो कहाँ तक जायज है, क्या क्या रीजन्स है, कितने वैलिड रीजन्स हैं।
सो एक तो ये बात रही। दूसरी, चूंकि JMM 1972 में बनी थी और 1995 में जो इलेक्शन हुआ उसमें JMM ने अच्छा खासा सीट जीत लिया था, तो वो एक वेल एस्टैब्लिश पार्टी बन गई थी। तो JMM और RJD, जिसका हमको लगता है बिहार में सभी लोग जानते हो कि लालू प्रसाद यादव जी, इन्होंने मिलके बिहार में सरकार बनाई। और 1997 तक तो लालू यादव भी इस बात से सहमत थे कि हाँ सेपरेट स्टेट झारखंड बनेगा, लेकिन 1998 में लालू यादव साहब इस बात से पलट गए और JMM ने अपना सपोर्ट खींच लिया, क्योंकि वो उससे जुड़ी थी इसी बात पे, और बिहार में सरकार गिर गई। और फाइनली जब 2000 में इलेक्शन हुआ तो किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, मतलब कि कोई भी पार्टी, चाहे BJP हो, चाहे RJD हो, चाहे JMM हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी को भी सही से बहुमत प्राप्त नहीं हुआ कि वो सरकार बना सके। तो RJD ने कांग्रेस से सपोर्ट मांगा और कांग्रेस ने उसे इस बात पे सपोर्ट किया कि अगर तुम झारखंड बनाओगे तो हम तुम्हें अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे। और इस तरह से बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ फाइनली, और इस तरह से बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट को कार्वर्ड करके एक नया राज्य झारखंड बना। अब आइए हम देखते हैं आगे। सो व्हेन एंड हाउ इट फॉर्म्ड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि झारखंड कैसे बना, तो जयपाल सिंह मुंडा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड की डिमांड की थी। अच्छा, उनके बारे में एक दो फैक्ट आप और जान लो। वो इंडियन हॉकी के कैप्टन भी रहे हैं, वो पहले ऐसे कैप्टन रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया, एंड ही वॉज ऑल्सो द टीममेट ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड इन हॉकी, ध्यानचंद। वो ध्यानचंद जी के टीममेट भी थे। सो जयपाल सिंह मुंडा का नाम आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है, कैसे झारखंड पार्टी बना, आदिवासी महासभा को हटाकर झारखंड पार्टी बनाया गया, और फाइनली बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ और बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट को काट के झारखंड फॉर्म हुआ। अच्छा, ये जो झारखंड राज्य बना ये भारत का 28वां राज्य था, 28वां राज्य था, और बिहार झारखंड जो बना वो 15 नवंबर 2000 को बना। और इस दिन ही क्यों बना, क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी है। और इसमें जो जानने लायक बात है वो इम्पोर्टेंट ये है कि देखो, मैंने यहाँ लिख रखा है कि ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी भगवान बिरसा मुंडा अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 को आप समझो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 के आर्टिकल 3 में कुछ प्रोविजंस हैं जो बताते हैं कि नया स्टेट कैसे बनेगा। मीन्स आर्टिकल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट द फुल पावर टू इनेक्ट द लॉ रिगार्डिंग स्टेट फॉर्मेशन, मतलब अगर स्टेट में कोई चेंज करना है, उसके नाम में कोई बदलाव करना है, उसका एरिया में कोई बदलाव करना है, उसकी बाउंड्री में कोई चेंज करनी है, तो हमें आर्टिकल 3 के थ्रू ही, उसमें दिए गए प्रोविजन के थ्रू ही करने होंगे। जैसे उसमें जो कुछ प्रोविजन्स हैं कुछ ऐसे हैं, जैसे किसी बड़े स्टेट को तोड़ के एक छोटा स्टेट बनाना हुआ, दो छोटे स्टेट को मर्ज करके एक नया स्टेट बनाना हुआ, या सपोज करो कहीं एक कोई स्टेट और कोई UT सटा हुआ है और UT का कुछ पार्ट काट के इस स्टेट को देना और एक नया स्टेट बनाना है, तो इस तरह के प्रोविजंस दिए हुए हैं। सो आप याद रखना कि किसी भी नए स्टेट में अगर कोई चेंज होता है, उसके नाम में, उसके बाउंड्री में, उसके एरिया में, या कोई नया स्टेट बनता है, तो आर्टिकल 3 पे ही बनेगा। ये पार्ट 1 में है, अनुच्छेद 3 भाग 1, याद रखना आप इसको, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस स्लाइड से हमें जो बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि झारखंड बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट काट के बना था। जब झारखंड बना तो भारत का 28वां राज्य था। किस दिन बना? 15 नवंबर 2000 को। क्यों? क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिवस है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो इंडिया के मैप में, ये हमारा झारखंड है। और अभी मैंने आपको बताया था कि झारखंड का शेप कैसा है, तो क्वाड्रिलेटरल शेप है, ठीक है। सो आइए हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम एक एक करके देखते हैं।
तो हमारे स्टेट का नाम क्या है? हमारे स्टेट का नाम है झारखंड। इसका मीनिंग है द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। और झारखंड का पुराना नाम क्या था? झारखंड का पुराना नाम था बुशलैंड। ठीक है। अच्छा, बिहार के कितने परसेंट हिस्से काटकर झारखंड बनाया गया? तो अब याद रखना 46%। ये सब पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिहार के 46% हिस्से काटकर झारखंड बनाया गया था। अब झारखंड का फाउंडेशन डे कौन सा है? तो सबको पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। ये इसलिए क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। और उनकी मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 को। और उनका जो डेथ हुआ वो हुआ कहाँ? वो हुआ रांची सेंट्रल जेल में। तो झारखंड के फाउंडेशन डे सबको पता है, बस याद रखना भगवान बिरसा मुंडा का जो डेथ हुआ था 9 जून 1900 को हुआ था और रांची सेंट्रल जेल में उनका डेथ हुआ था। झारखंड स्टेट का कैपिटल कहाँ है? रांची, सबको पता है। सब कैपिटल कहाँ है? राजधानी हो गई रांची। और सब कैपिटल कहाँ है? दुमका। हमारे राज्य झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफकोर्स हिंदी है, जो हम सभी बोलते हैं। और झारखंड में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में 16 भाषाओं को जगह दी गई है। 16, दे आर 16 नंबर ऑफ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन झारखंड। तो आप याद रखना कितने नंबर ऑफ भाषाओं को जगह दी गई है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो 16 नंबर ऑफ लैंग्वेज को जगह दी गई है। हमारे अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हमारे चीफ मिनिस्टर श्रीमान हेमंत सोरेन है अभी। अच्छा, इनके बारे में कुछ पॉइंट देखो। ये झारखंड के 11वें चीफ मिनिस्टर बने, 11th 11वें चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन अगर पर्सन वाइज आप देखोगे तो ये छठे हैं। जैसे कौन कौन? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, रघुवर दास, और उसके बाद बने ये हमारे हेमंत सोरेन। तो ये झारखंड के 11वें चीफ मिनिस्टर है। लेकिन अगर आप पर्सन वाइज देखोगे, व्यक्ति वाइज, तो ये छठे हैं। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वो बैरहट है, जो कि दुमका में है। आप याद रखना, कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम आते हैं राज्यपाल, गवर्नर। हमारे झारखंड के अभी गवर्नर कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये झारखंड की पहली महिला गवर्नर है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर है। और झारखंड राज्य की 8वीं राज्यपाल है। ठीक है। हमारे झारखंड का साइज कितना है, एरिया कितना है? तो लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड टू बी एग्जैक्ट, इट इज 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना, एग्जाम पूछा जाता है। तो अगर एरिया वाइज हम बात करें तो इंडिया में इसका क्या रैंक है? तो इसका 15th रैंक है, 15th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। अच्छा देखो, किसी किसी बुक में आपको 16 भी मिलेगा, लेकिन वो पुराने एडिशन का बुक होंगे। एक्चुअली एरिया वाइज झारखंड का 15वां स्थान है इंडिया में, आप इस बात को याद रखना। और पॉपुलेशन वाइज झारखंड का कौन सा पोजीशन है? तो 14वां पोजीशन है पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के हिसाब से। आज प्रेजेंटली झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जो पिछला स्लाइड हमने देखा था फ्रेंड्स, उसमें मैंने क्या बताया था कि बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट को काट के झारखंड बनाया गया था। तो जब झारखंड बना था तब तो 18 थे, लेकिन आज प्रेजेंटली कितने हैं? तो 24 है। मतलब 6 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। अब किससे किससे टूट कर कब बने हैं, हम सब आगे बात करने वाले हैं, आप ध्यान से देखो। अब रहा हाई कोर्ट, तो रांची में जो हाई कोर्ट है ना, वो भारत का 21वां हाई कोर्ट है। तो टोटल आखिर हाई कोर्ट है कितने इंडिया में? टोटल स्टेट में अगर आप देखोगे तो 24 हाई कोर्ट है, और यूटी में एक हाई कोर्ट है जो कि दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। तो इंडिया में, भारत में आज के डेट में देर आर टोटल 25 नंबर ऑफ हाई कोर्ट, जिसमें रांची जो है 21वां हाई कोर्ट था। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कब बना और कहाँ का है? तो सबसे पुराना हाई कोर्ट आप याद रखना 1862 में बना था, और वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। हाँ, उसे अभी भी कलकत्ता ही कहा जाता है, और कोलकाता नहीं कहा जाता, वैसे ही मुंबई नहीं कहा था, अभी बॉम्बे कहा जाता है। देखो, एक्चुअली 1862 में ना ब्रिटिश इंडिया के टाइम में 3 हाई कोर्ट बने थे। पहला कलकत्ता बना था, दूसरा बॉम्बे बना था, और तीसरा चेन्नई बना था। हाँ, इसके बाद तो सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन रहा?
कलकत्ता, रांची का हाईकोर्ट का कौन सा पोजीशन रहा भारत में, वो 21वां हाईकोर्ट है। टोटल हाईकोर्ट्स कितने हैं, 25 से 24 स्टेट में, एक यूटी दिल्ली में है। और आप याद रखना, शायद 1862 के बाद 1866 में अलाहाबाद हाईकोर्ट बना, ठीक है, अलाहाबाद हाईकोर्ट बना। अब चीफ जस्टिस कौन है हमारे, तो ऑनरेबल डॉक्टर रवि रंजन है, ये पहले पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस थे। मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज़ झारखंड में, मेजर सिटीज़ कौन कौन से हैं ये सबको पता होगा, रांची है, धनबाद है, बोकारो है, जमशेदपुर है। अब एक लास्ट जो टर्म है, प्रोटेम स्पीकर, ये क्या है प्रोटेम स्पीकर? देखो प्रोटेम जो है ना, किसी को आइडिया है क्या प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखो प्रोटेम जो है ना, एक लैटिन शब्द से बना है। प्रोटेम एक लैटिन शब्द है जिसका मीनिंग होता है फॉर द टाइम बींग, फॉर द टाइम बींग, मतलब टेम्प्रोरी। तो जब चुनाव के समय जब परमानेंट स्पीकर नहीं होते हैं, तो जो सीनियर मोस्ट एमएलए होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है, जो प्रिसाइड करते हैं, मतलब ये टेम्प्रोरी होते हैं, ठीक है, फिर परमानेंट स्पीकर बनते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर क्या है, टेम्प्रोरी स्पीकर है, टेम्प्रोरी पोस्ट है, और प्रोटेम एक लैटिन शब्द है जो जिसका मीनिंग है फॉर द टाइम बींग। तो आई होप आपको इन सब जानकारी को याद रखनी है। और देखो ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता के रखा है ना, अब इस सब पॉइंट को कहीं नोट कर लो कि सबसे पहला हाईकोर्ट कहाँ बना, कलकत्ता में 1862 में, याद रखना। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राज्यपाल है झारखंड की, चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन जी 11वें चीफ मिनिस्टर हैं, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है, 16 है। तो आप इन सब बातों को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा एक और चीज़, लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर कौन है, अभी शायद मैंने इसमें दिया नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की स्पीकर अभी कौन है, आर एन महतो है अभी, और जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे, वो इंदर सिंह नामधारी थे। और ये आर एन महतो, रविंद्रनाथ महतो जो है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो नाला है, जो कि जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इस पॉइंट को भी लिख लेना कि लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो जी हैं। पहला स्पीकर कौन थे, इंदर सिंह नामधारी जी थे। और अभी जो स्पीकर है उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है जिससे वो चुनाव लड़ते हैं, तो नाला है, जो कि जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलिए आई होप आप ये सब चीज़ों को समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा जो राज्य है झारखंड बहुत ही सुंदर प्रदेश है। अब हम बात करने वाले हैं स्टेट सिंबल ऑफ झारखंड, कि भाई इस राज्य के पशु कौन है, एनिमल, बर्ड, ट्री, फ्लावर, हमारा स्टेट सिंबल क्या क्या है। तो हमारा जो स्टेट एनिमल है वो एलिफेंट है, जैसे कि आप फिगर में देखो एलिफेंट है। तो ये बगल में मैंने क्या लिख रखा है, ये मैंने साइंटिफिक नेम लिख रखा है, जैसे एलिफेंट का साइंटिफिक नेम होता है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछते हैं, ये साइंटिफिक नेम ही पूछते हैं। अब याद रखना, ये नहीं पूछेगा कि भाई स्टेट एनिमल झारखंड का स्टेट एनिमल कौन सा है, आपसे एलिफेंट नहीं पूछेगा, वो एलिफेंट का साइंटिफिक नेम देगा और उससे आपको बोलेगा कि टेक आउट करो। तो अब याद रखना, एलिफेंट का जो हमारा साइंटिफिक नेम हो नेम है वो है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। वैसे ही जो हमारा स्टेट बर्ड, राजकीय पक्षी कौन है, एशियन कोयल या इसे एशियाटिक कोयल भी बोलते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो यूडीनेमस स्कोलोपेसियस, आप इसको याद रखना। उस तरह से हमारा राज्य का वृक्ष है साल, देखो साल ट्री जिसने नहीं देखा वो देख लो इसे, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी आपको याद रखना है, वो है सॉरिया रोबस्टा। क्या है, सॉरिया रोबस्टा। हमारा स्टेट फ्लावर फ्लावर कौन सा है, पलाश का फूल, देखो लगभग आग का कलर लिए हुए है, बहुत ही सुंदर दिखने में, बहुत ही लुभाना। आपने कभी पलाश का फूल देखना, वो बंच में आते हैं, बहुत बहुत सुंदर लगते हैं आप उसे जब देखोगे। तो पलाश का फूल जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ब्यूटा मोनोस्पर्मा, आप याद रखना। देखो चारों साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। मैंने क्या बोला, स्टेट एनिमल कौन है, एलिफेंट है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, कभी कभी मुझसे भी भूल हो जाती है। स्टेट बर्ड कौन है, एशियाटिक कोयल, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, यूडिनेमस स्कोलोपेसियस। स्टेट ट्री कौन सा है, साल है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सॉरिया रोबस्टा। और स्टेट फ्लावर कौन सा है, पलास है, जिसका नाम है साइंटिफिक नेम है ब्यूटा मोनोस्पर्मा, अब उसको याद रखना। तो ये चारों फिगर आप देख सकते हो, एलिफेंट का, एशियाटिक कोयल, साल और
प्लस का। अब हम बात करेंगे झारखंड एम्बलम। तो देखो झारखंड का जो एम्बलम है ना, बहुत ही सुंदर एम्बलम डिज़ाइन किया गया इस बार, और इसको मिस्टर पांडे ने डिज़ाइन किया है। आप ये नाम याद रखना कि झारखंड का एम्बलम किसने दिया था, तो मिस्टर पांडे ने दिया है इसे। अब आप इस एम्बलम को गौर से देखो, इसके अंदर एक रिंग है, दूसरा रिंग है, तीसरा रिंग है, एक रिंग के अंदर रिंग के अंदर रिंग जैसा बना हुआ है। और ये जो इसका आउटर रिंग है उसमें क्या दिख रहा है आपको? आउटर रिंग से हिंदी में क्या बोलते हो? बाह्य वृत्त, जो भी है। आउटर रिंग में देखो आप एलिफेंट्स बने हुए हैं। इसके मिडिल रिंग में देखो, मिडिल रिंग जो है उसमें पलाश का फूल दिया हुआ है। और इसका जो इनर रिंग है उसमें झारखंडी स्टाइल में लोग डांस करते हुए दिख रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़े हुए। और लास्ट इन द मिडिल क्या है? तो द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, ये बना हुआ है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर झारखंड ने ऐसा एम्बलम डिज़ाइन क्यों किया। तो देखो ये झारखंड का जो आउटर रिंग है ना, इसमें एलिफेंट एक क्या डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है स्ट्रेंथ को। जंगल में आपने हाथी उछलते देखा है, कितना ताकतवर महसूस होता है। तो ये झारखंड का जो आउटर रिंग में एलिफेंट है वो डिपिक्ट करता है, इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ, वाइल्ड लाइफ रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। देखो मैंने कहीं लिख भी रखा है, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, वाइल्ड लाइफ रॉयल्टी एंड रिच वेजिटेशन। तो एलिफेंट क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ बता रहा है, वाइल्ड लाइफ रॉयल्टी बता रहा है, रिच वेजिटेशन को बता रहा है इस एम्बलम में। अब इस मिडिल लिंक को देखो जहाँ पलाश का फूल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फ्लेम ऑफ जंगल के, रिच फ्लोरा, ब्यूटी एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। आग का जो कलर होता है ना, फ्लेम ऑफ जंगल, जब पलाश के फूल जंगल में लग जाते हैं ना, तो आपको देखने से लगेगा सच में कहीं आग जली हुई है, वैसा आपको महसूस होगा। तो आखिर ये पलाश का फूल क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लेम ऑफ जंगल, रिच फ्लोरा, ब्यूटी एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इनर रिंग है जिसमें झारखंडी स्टाइल में लोग डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, ये रिप्रेजेंट करता है द रिच हिस्ट्री ऑफ सोशल बॉन्डिंग, कि झारखंड का इतिहास कितना उम्दा रहा है, लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, उनमें कितना क्लोजनेस रहा, उनकी बॉन्डिंग कितनी मजबूत रही है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो सच में ये झारखंड सरकार का एम्बलम बहुत ही बेहतरीन है, पिछले वाले से तो बहुत अच्छा है। और आप सेंटर पे देखो, सेंटर पे क्या है? द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जिसका मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। मोटो क्या है उसका? सत्यमेव जयते। तो हमने अभी क्या देखा? स्टेट सिंबल ऑफ झारखंड देखा, स्टेट एनिमल एलिफेंट, स्टेट बर्ड एसेटिक कोयल, स्टेट ट्री साल, और स्टेट फ्लावर पलास। अब हम सबका साइंटिफिक नेम देखेंगे। स्टेट एलिफेंट का साइंटिफिक नेम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, एशियाटिक कोयल का यूडेनमस स्कोलोपेसियस, साल का सोरिया रोबस्टा, और पलास का ब्यूटा मोनोस्पर्मा। 4 सेकंड लेंगे, आप याद करके रखो क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन। देखो झारखंड में कितने डिविजन्स हैं? तो झारखंड में 5 डिविजन्स हैं, 5 प्रमंडल हैं। अगर आप मुझे झारखंड मानते हो तो देखो, इधर में आपका संथाल परगना हो गया, यहाँ नीचे आपका कोलन हो गया, इस तरफ पलामू हो गया, ये जो पार्ट है ये साउथ छोटानागपुर हो गया, और ये जो मेरा एरिया है ये नॉर्थ छोटानागपुर है। तो झारखंड में 5 डिविजन्स हैं, 5ों के नाम मैंने आपको बता दिया, संथाल परगना, पलामू, कोलन, साउथ छोटानागपुर, नॉर्थ छोटानागपुर, ठीक है। प्रेजेंट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आज झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट है, सबको पता है। लेकिन जब झारखंड बना उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट थे? मैंने शुरू में ही बोला है 18 डिस्ट्रिक्ट थे। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ स्टेट फॉर्मेशन 18 है। नंबर ऑफ सब डिविजन्स कितने हैं? 45 हैं। आपको ये सब याद रख लेना है, एक एक पॉइंट। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? तो 264 ब्लॉक्स है झारखंड में। नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसको बोलते हो? नगर निगम। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं झारखंड में? तो 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। कौन कौन? देखो रांची, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, आदित्यपुर, मांगो और गिरिडीह, ये 9 आपके जो हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, मतलब ये क्या है? ये नगर निगम है, नगर निगम। देखो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर लिखने में कुछ ऐसा ऐसा हुआ हो हर से धीरे देख लेना यार आप लोग। नंबर ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल, जिसे कि हम नगर परिषद बोलते हैं, वो कितने हैं? 19 है। नगर पंचायत कितने हैं? 13 नंबर हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कितने हैं? 24 है, तो 24 ही होंगे। डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, झारखंड में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स है? पलामू आप याद रखना,
21 नंबर ऑफ ब्लॉक्स, उसके बाद गढ़वा 20 नंबर ऑफ ब्लॉक्स, उसके बाद आता रांची, इसमें 80 नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, मैंने यहाँ दे रखा है, आप उसको याद कर जाना। अब आते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। देखो झारखंड में 32 नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, 32 आप याद रखना। प्रिमिटिव ट्राइब्स उसमें कितने हैं, तो 8 नंबर प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, और सबसे प्रिमिटिव ट्राइब्स है कौन, असुर, आप याद रखना। असुर जो ट्राइब है वो सबसे प्रिमिटिव ट्राइब है, याद रखना, मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब, मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब। अब प्रेसिडेंट रूल फर्स्ट टाइम स्टेट में कब लगा, प्रेसिडेंट रूल फर्स्ट टाइम स्टेट में 19 जनवरी 2009 को लगा था, आपको ऐसे ही बस इस डेट को याद रख लेना है। अब रैंक ऑफ झारखंड इन HDI, तो पहले हम समझते हैं HDI है क्या। HDI देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का फुल फॉर्म क्या है, HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यह आखिर क्या बताता है, तो देखो एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी स्टेट का, कंट्री का, SDI कंट्रीज वाइज भी निकलते हैं, ये बताता है कि उसका GDP क्या है, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, तो इन सब चीज़ों को लेकर बनाया जाता है। तो झारखंड का इंडिया में SDI में रैंक कितना है, 19वां रैंक है। झारखंड स्टेट का SDI में कितना रैंक है, 19th रैंक है। तो चलिए हम इस स्लाइड को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। देखो झारखंड में डिविजन्स कितने हैं, 5, कौन कौन से, संथाल परगना, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोलन और पलामू। डिस्ट्रिक्ट कितने प्रेजेंटली, 24, जब बने थे तब कितने थे, 18, नंबर ऑफ सब डिविजन्स 45, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 264, नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम कितने हैं, 9, कौन कौन से, रांची, चास, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, आदित्यपुर, मांगो, हजारीबाग और मेदिनीनगर, जिसे डालडेगा जी बोलते हैं, दिस इज माई होम टाउन, आई लव दिस टाउन। नंबर ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल कितने हैं, 19 है, नगर पंचायत कितने हैं, 13 नंबर है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 24, डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक पलामू 21, गढ़वा 20, रांची 18, याद रखना आप लोग। शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, 32 नंबर हैं। प्रिमिटिव ट्राइब्स कितने हैं, 8 नंबर है। सबसे मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब है कौन, असुर है, आप उसको याद रखना। प्रेसिडेंट रूल कब लगा, 19 जनवरी 2009, एकदम याद होना चाहिए ये पॉइंट। रैंक ऑफ झारखंड SDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो क्या बताता है, वो एक ऐसा पैरामीटर है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपका GDP, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन स्टैंडर्ड, इन सब चीज़ों को मिलकर बताता है। तो झारखंड का SDI में इंडिया में 19वां रैंक है, 19वां पोजिशन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखो एक एक चीज मैं जितना बता रहा हूँ, मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ आज ही छप जाए। देखो ये सब एक एक पॉइंट है, आपको याद होता चला जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको इसको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार अभी दिल लगा के पढ़ो, बाद में आप ऐसे भी रिकॉल करोगे तो याद आ जाएगा। अब देखो जब आप झारखंड को पढ़ना स्टार्ट करो ना, सबसे पहले आप क्या करो कि एक खाली मैप ले आओ, MPT मैप झारखंड का ले आओ, जिसमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज बाउंड्री बने हुए हो। अब देखो अगर आपने उस झारखंड के मैप में डिस्ट्रिक्ट को भरना सीख लिया ना, तो आप समझो कि झारखंड का 8-10% तो आपने ऐसे ही कर लिए। वो कैसे, देखो मैं बताता हूँ, पहले इस पार्ट को देखते हैं फिर हम वहाँ आएंगे। अभी हमने बात करी थी कि झारखंड में कितने डिवीजन्स हैं, 5 डिवीजन्स हैं। देखो पहला डिवीजन है संथाल परगना, दूसरा डिवीजन पलामू, तीसरा डिवीजन कोलन, चौथा साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, पाँचवा है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन। तो टोटल 5 डिवीजन्स हैं झारखंड में। अब हम सबके हेड क्वार्टर देखेंगे। जो संथाल परगना डिवीजन है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो दुमका में है। कहाँ है, ये रहा दुमका। जो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वो हजारीबाग में है, यहाँ कहीं, ये रहा हजारीबाग। पलामू डिवीजन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मेदिनीनगर या डाल्टनगंज, ये रहा यहाँ, ये मेरा होम टाउन है। साउथ छोटा नागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रांची, रांची। और कोलन डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चाईबासा, ये रहा चाईबासा यहाँ। तो देखो इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भाई डिवीजन्स कितने हैं और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। ये प्रश्न, ये जो है, ये जो प्रश्न था ये हमारा रेडी हो गया। अब हम आते हैं इस पार्ट में। देखो ये तो सबको पता होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखो
अगर आप ये जो झारखंड का मैप है अगर इसमें आप डिस्ट्रिक्ट को भरना सीख लिए ना कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है तो देखो क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि संथाल परगना डिविजन्स में है कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, तो आप जैसे ही भरना सीख जाते हो तो आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, दुमका, आप बता सकते हो उसमें। ये झारखंड के मैप में नॉर्दर्न, ये नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, इधर क्या है बिहार है, इस तरफ क्या है बंगाल है, इधर क्या है उड़ीसा है, इधर क्या है छत्तीसगढ़ है, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी को टच करता है, यहाँ यूपी है। तो जैसे देखो यहाँ बिहार है, यहाँ बंगाल है, नीचे में क्या है उड़ीसा है, यहाँ छत्तीसगढ़ है और यहाँ यूपी है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट को भरना सीख लिए ना तो आपसे जो प्रश्न पूछेंगे कि बिहार को कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, आप आराम से लिख के बता सकते हो, काउंट कर लोगे। बंगाल के कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, जब आप इसको भरना सीख लिए तो एक और प्रश्न आता है कि लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कितने हैं झारखंड में, आप देख के बता दोगे कि हाँ देखो ये और ये जो है लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है। मतलब अगर आप झारखंड का मैप भर लेते हो तो देखो आपको बहुत सारे प्रश्नों का आइडिया हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिहार को टच करते हैं, कितना यूपी को, कितना छत्तीसगढ़ को, कितना उड़ीसा को, कितना बंगाल को। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप कर लोगे और आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो मैं आपको फिल करके इसको दिखाता हूँ कैसे हम लोग भरते हैं। तो देखो ये झारखंड का मैप है, ये क्या है गढ़वा, ये क्या है पलामू, ये क्या है लातेहार, ये क्या है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवान, खूटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़। ये रहे झारखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपके भी दिमाग में ऐसे ही प्रिंट होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ ये जो मैंने मैप भरा इसमें लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, पहले तो आप समझो लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट होते क्या है। देखो ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका बाउंड्री किसी भी दूसरे स्टेट के बाउंड्री से नहीं लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, हम लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, मुझे कलर चेंज करने दो थोड़ा सा ताकि आपको अच्छा दिखे। देखो ये देखो लोहरदगा को देखो, ये बेचारा यहाँ सिमटा हुआ, और ये खूटी को देखो। अब देखो गढ़वा यूपी को टच कर रहा है, पलामू बिहार को टच कर रहा है, बोकारो बंगाल को टच कर रहा है, ईस्ट सिंहभूम बंगाल को टच कर रहा है, उड़ीसा को टच कर रहा है, तो उस तरह से सब किसी न किसी को टच कर रहे हैं। हजारीबाग भी देखो यहाँ कहीं टच कर रहा है, जामताड़ा हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, वेस्ट सिंहभूम। लेकिन ये लोहरदगा और ये जो खूटी है ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो किसी भी दूसरे स्टेट के बाउंड्री को टच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो किसी दूसरे स्टेट के बाउंड्री को टच नहीं करते उन्हें ही हम लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कितने हैं झारखंड में, दो हैं। कौन कौन है, एक तो हो गया लोहरदगा और दूसरा हो गया खूटी। आप इसे याद रखना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आएगा, ठीक है। तो मैंने ये जो मैप आपको भर के बताया, आपके प्रैक्टिस के लिए बताया कि आप भी इसे ऐसे ही प्रैक्टिस करके रखो। अभी देखो हम जब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे ना तो हम देखेंगे कि देखो ये कितना यूजफुल होने वाला है। देखो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कौन सा, पहले अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो झारखंड में जो हमारा लेजिस्लेचर है वो कैसा है, वो यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब है एकल, ठीक है। किसी किसी स्टेट में बाइकैमरल भी होता है। मतलब लेजिस्लेचर कितने टाइप के हुए, या तो यूनिकैमरल होंगे या तो बाइकैमरल होंगे। देखो बाइकैमरल की हिंदी मुझे नहीं पता, शायद बहुकल हो, यूनिकैमरल एकल होता है। तो झारखंड का जो लेजिस्लेचर यूनिकैमरल का मीनिंग क्या हुआ आप समझो। तो यूनिकैमरल क्या हुआ कि जिसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, मतलब सिर्फ विधानसभा हो। लेकिन बाइकैमरल का मीनिंग क्या हुआ कि जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली LA और लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधानसभा तो हो और साथ में विधान परिषद भी हो, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली हो। और LC क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल।
तो जहां ये दोनों चीज पाए जाते हैं उनका जो लेजिस्लेशन होता है वो बाई कैमरल होता है, और जहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधानसभा होता है, उसे हम यूनिकैमरल बोलते हैं। हर स्टेट एडॉप्ट कर सकता है यूनिकैमरल या बाई कैमरल स्ट्रक्चर, दे आर फ्री। तो प्रेजेंटली इंडिया में कुछ समय पहले तक 7 स्टेट ऐसे थे जो बाई कैमरल थे। अब देखो मैंने क्यों बोला कुछ समय पहले तक, तो 7 स्टेट कौन थे, कौन कौन से थे? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों बोला कुछ समय पहले तक, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तो भाई काट दिया गया, इसको तो यूटी बना दिया गया, तो आप इसको काट दो। अब कुछ समय पहले, अब अभी आप जो लोगों से पूछोगे तो वो बोलेंगे 6 ऐसे स्टेट हैं जो बाइकैमरल हैं, लेकिन कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश ने भी एक रिजोल्यूशन पास करा और वो भी अपना बाइकैमरल स्ट्रक्चर को हटा रहे हैं। तो आज के डेट में वो हट भी चुका है। आज के डेट में इंडिया में 5 ऐसे स्टेट हैं जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैं, जिनके पास मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद दोनों है। वो कौन कौन है? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटका। आप इसको लिख लो कहीं पे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, तमिलनाडु और सॉरी तेलंगाना और कर्नाटका, आप इसे लिख लो कहीं पे। अब आते हैं, हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे विधानसभा में कितने सीट्स हैं? तो टोटल देखो 82 सीट हैं। कितने सीट हैं? 82 नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब 82 में 81 तो इलेक्टेड है और एक नॉमिनेटेड है। अब जो इलेक्टेड है उसमें जनरल का सीट कितना है? 44। एसटी का सीट कितना है? 28। और एससी का कितना बचा? 9। देखो जनरल का सीट हो गया 44, यहाँ लिखते हैं थोड़ा अच्छा दिखेगा, 44 जनरल, 28 एसटी, 9 एससी और एक नॉमिनेटेड, सबको ऐड करो, 10 18 4 22 4 2 6 2 8, ये रहा आपका 82। ठीक है, तो विधानसभा में कितने सीट है झारखंड में? 82। लोकसभा के कितने सीट हैं? 14, जिसमें एसटी 5 है, एससी 1 है और जनरल 8 है, मतलब 5, 8 और 1, ठीक है, टोटल 14। 5 हो गया एसटी, 8 हो गया एससी, सॉरी 8 हो गया जनरल और 1 हो गया एससी, ये टोटल लोकसभा में 14 सीट है। राज्यसभा में कितने सीट है? तो 6 सीट है। अब आप याद रखना, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में कितने सीट है झारखंड के, तो 6 बोलना है, लोकसभा में पूछे तो 14 बोलना है, 14, राज्यसभा में पूछे तो 6 बोलना है। लेकिन अगर पूछे कि पार्लियामेंट में, संसद में टोटल कितने सीट हैं, तो आपको दोनों को ऐड करके बोलना है, 14 + 6, 20, याद रखना। अगर आपसे अलग अलग पूछे लोकसभा राज्यसभा, तब तो अलग अलग बताओ, 14, 6। लेकिन अगर पूछे संसद में कितने सीट है टोटल, पार्लियामेंट में, तो 14 + 6 कितना हो जाएगा? 20 नंबर ऑफ सीट्स है। ये देखना बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन वैसे ही पलट के पूछता है और ये जवाब इसको दे के आते हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। आइए अब हम बात करने वाले हैं फैक्ट शीट डाटा इस पर 2011 सेंसस, जो 2011 में सेंसस हुआ उससे जो कुछ फैक्ट्स निकल के आए हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। झारखंड का प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है? 3,30,00,000, आप याद रखना रफली 3,30,00,000। और मैंने पहले बात करी है कि झारखंड का इंडिया में पॉपुलेशन वाइज पोजीशन कौन सा, रैंक कौन सा है, तो 14th रैंक है, मैंने बताया है ना आपको, और एरिया वाइज 15th रैंक है। देखो हम पढ़ते भी चलेंगे साथ साथ रिवाइज भी करते चलेंगे, लेक्चर खत्म, सारे पॉइंट्स यहाँ दिमाग में फिक्स। मेल पॉपुलेशन कितना है? 1.7 करोड़। फीमेल पॉपुलेशन कितना है? 1.6 करोड़। ये सब अप्रॉक्स वैल्यू आप याद रखो। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है? तो 414 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है, आप किसी भी एरिया की अगर डेंसिटी निकालना चाहते हो ना, तो उस एरिया का 1 किलोमीटर का पार्ट ले लो आप, और उसमें जब आप मूव करोगे तो जितने व्यक्ति आपको मिल पा रहे हैं, जितने लोग आपको मिलेंगे, वही उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी बताता है। जैसे मान लो मैं एक वेस्ट बंगाल का पार्ट काटता हूँ 1 किलोमीटर का, और उसमें मैं घूमता हूँ और मुझे 800 लोग मिले उस 1 किलोमीटर के दायरे में, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 800 हो जाएगी। तो उसी तरह से झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 414 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलेंगे, इसका मीनिंग यही है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे। तो झारखंड में लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितना है? 1815 किलोमीटर अप्रॉक्स, याद रखना। स्टेट हाईवे कितना है? 6,880 किलोमीटर। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, बस डायरेक्ट आपको याद ही रखना है इसको। लिटरेसी रेट क्या है झारखंड की? तो वो देखो 67% है,
कितना लिटरेसी रेट? 67% है. मेल का लिटरेसी रेट कितना है? तो 65 है. और फीमेल का कितना है? 55 है. ये शायद 66 है और ये 55 है. ठीक है, तो झारखंड का लिटरेसी रेट 67, मेल का 65, फीमेल का 55. मेल का कहीं 66 भी आपको मिलेगा. सेक्स रेशियो 947, मेल टू फीमेल रेशियो 947 पर 1000 मेल. इकोनॉमिक साइज, तो इकोनॉमिक साइज 33.81 बिलियन. ये 2014-15 का डाटा है, आप इसे याद रखना बस. पॉपुलेशन ग्रोथ, झारखंड में जो ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन को, किस रेट से हो रहा है? तो 22.42 रेट से झारखंड पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है. टोटल जियोग्राफिकल एरिया वही मैंने जो बता रखा है, 80,000 स्क्वायर किलोमीटर, या बोल सकते हो 79.7 लाख हेक्टेयर. अब अभी हमने बात करी थी कि नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं झारखंड में, पांच. कौन कौन से? संथाल परगना, नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर, कोलन और पलामू. याद होना चाहिए आपको. नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमने बात करी थी 24, सब डिविजन्स 45 है. नंबर ऑफ ब्लॉक 264 है. नंबर ऑफ विलेज 32,620 टू बी एग्जैक्ट. झारखंड में 32,620 विलेज हैं, मतलब समझ लो कि कितना अभी भी झारखंड अंडर डेवलप्ड है. कितना अनडेवलप्ड है झारखंड, आप इस बात से समझ सकते हो कि यहाँ 32,500 ज़्यादा अभी भी गांव है. अब हम बात करने जा रहे हैं कि झारखंड में जो धर्म, जो धार्मिक लोग हैं, जो रिलीजन है, वो हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, कितने कितने परसेंट में हैं. तो झारखंड में जो सबसे मेजोरिटी में वो हिंदू हैं, लगभग 68%. कितना? 68% के आसपास हिंदुज्म है, हिंदू लोग हैं. उस तरह से इस्लाम को फॉलो करने वाले लगभग 14.5% है. सनिज्म को फॉलो करने वाले लगभग 13% हैं. ये सब डाटा को रफली अप्रॉक्स में याद रखा करो, वरना एग्जाम टाइम में स्लिप हो जाएगा दिमाग से. क्रिश्चियनिटी कितना है? लगभग 4% है. और ऐसे लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, एथिस्ट जिन्हें आप बोलते हैं, वो लगभग 0.6% है. तो झारखंड में मेजोरिटी किस रिलीजन का है? हिंदुओं का है, हिंदूज में है 68%. इस्लाम कितना है? 14.5%. सनीज में कितने लोग फॉलो करते हैं? 13%. क्रिश्चियन कितने हैं? लगभग 4% है. और ऐसे लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं 0.6% है. तो चलिए, ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, हम आगे बढ़ते हैं. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे सॉइल, झारखंड में सॉइल कैसा है, मिट्टी कैसी है यहाँ की. तो देखो, सैंडी सॉइल है, बलुई मिट्टी से आप बोलते हो, ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी बोलते हो, लैटराइट सॉइल है, इस तरह के सॉइल पाए जाते हैं. ये सब चीज़ें आपको सिर्फ याद रख लेनी है. मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं झारखंड में, बेसिकली सबको पता है, राइस, व्हीट, पोटैटो, मिलेट, ऑयल सीड और मेजन पल्सेस जो हैं वो यहाँ के मेजर क्रॉप्स हैं, दाल, चावल, गेहूँ. क्लाइमेट कैसा है? तो देखो, नॉर्दर्न पार्ट का जो क्लाइमेट है झारखंड का, वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है. नॉर्दर्न पार्ट का जो क्लाइमेट है झारखंड का, वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है. लेकिन जो साउदर्न पार्ट है, वो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है. ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, टर्म याद रखने हैं. नॉर्दर्न पार्ट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और साउदर्न पार्ट ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई. मेजर फ्लोरा, पेड़ साल के मिलेंगे आपको, केंदू, गंभार, शीशम, महुआ, कत्था, मैंगो, बैत, बम्बू, ये सब प्रचुर मात्रा में है आपको, जो कि झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे. जो ट्रीज हैं, फौना, एनिमल्स, टाइगर हैं, पलामू टाइगर रिजर्व आपको पता है, नीलगाय आपको मिलेगा, स्लॉथ बियर मिलेगा यहाँ पे आपको, चीतल मिलेंगे, सामर मिलेंगे, लिजार्ड मिलेंगे. तो यही सब है. देखो, इसको मैंने बस इन्फॉर्मेशन के तौर पर डाल दिया है. आपसे एक बार देखो, आपको मैक्सिमम को ये पता होता है कि हाँ यार, झारखंड में राइस, व्हीट तो होते ही हैं, पोटैटो, मिलेट, मेज, पल्सेस, ये जो है मेजर यहाँ के क्रॉप्स हैं. सॉइल यहाँ बलुई मिट्टी मिलती है, सैंडी सॉइल मिलती है, काली मिट्टी मिलती है, लेटराइट सॉइल मिलती है. फ्लोरा मतलब किस किस तरह के पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं. तो भाई, जामुन का पेड़ मिलता है, केंदू, गमार मिलता है, शीशम, मसाले, सबको पता है. मैंने बस आपको बस एक रिकॉल करा दिया है कि देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे एक निगाह में ज़रूर रखना. हो सकता है इसे क्वेश्चन उठा लिया जाए, ठीक है. तो बस इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है. तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं. अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा. अब हमने वो जो मैप भरा था, वो खाली मैप जो झारखंड का हमने भरा था, देखो अगर उसको आपने भरा होता तो ये आगे का दो स्लाइड आपके लिए ऐसे ही प्यार से निकल जाएगा. देख लो आप, देखो ये झारखंड का मैप है. अब झारखंड के मैप में
झारखंड के मैप में ये देखो, झारखंड के मैप में ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। मतलब इसको ऐसे कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्या हुआ नॉर्थ वेस्ट। तो देखो झारखंड जो है ना पांच अलग अलग राज्यों से सराउंडेड है। नॉर्थ में बिहार है, साउथ में ओडिशा है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ है और नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। क्या है? यूपी है। यही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि द स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ, किस किस से बॉर्डर शेयर करता है? बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और यूपी से। अब जो मेन प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि भाई बिहार से कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, बंगाल से कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और ये आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं मैपिंग कर रहा था वहाँ, जब मैं झारखंड के खाली मैप को भर रहा था ना, मैं इसलिए भर रहा था कि अगर आपने मैप को अच्छे से भर लिया तो आप डिस्ट्रिक्ट बता दोगे। अगर हम यहाँ चलते हैं तो देखो बिहार से कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। गढ़वा 1, पलामू 2, चतरा 3, हजारीबाग 4, कोडरमा 5, गिरिडीह 6, देवघर 7, दुमका 8, गोड्डा 9 और साहिबगंज 10। तो 10 डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार को टच करते हैं। बिहार को कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं? 10। आइए हम वेस्ट बंगाल में चलते हैं। साहिबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रामगढ़ 7, रांची 8, सरायकेला 9 और ईस्ट सिंहभूम 10। वेस्ट बंगाल को भी कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं? 10 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट अपना बाउंड्री शेयर करते हैं उससे। अब आते हैं उड़ीसा में। देखो ईस्ट सिंहभूम 1, सरायकेला खरसवान 2, वेस्ट सिंहभूम 3, सिमडेगा 4। तो उड़ीसा से कितने टच करते हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। सिमडेगा 1, गुमला 2, लातेहार 3, गढ़वा 4। तो भाई छत्तीसगढ़ से भी कितना डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा है? 4। अब बचा इकलौता हमारा गढ़वा, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में यूपी को टच करता है। तो यूपी को कितने डिस्ट्रिक्ट टच करता है? 1, वो है सिर्फ गढ़वा। आप इसे नाम से याद रखना। अब देखो इसे याद कैसे रखें हम। देखो एक सिंपल कोड है, BB10 CO4, इसे बस आप याद कर लो। बिहार 10 डिस्ट्रिक्ट, बंगाल 10 डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ 4, उड़ीसा 4 और यूपी तो पता है सबको, याद होगा यूपी कितने को टच करता है? सिर्फ गढ़वा को। तो आप उसको ऐसे याद रखो। तो BB10 CO4 अगर आप याद रख लेते हो तो बी फॉर बंगाल, बी फॉर बिहार, 10 10 डिस्ट्रिक्ट को टच करेगा, सी फॉर छत्तीसगढ़, ओ फॉर उड़ीसा, 4 को टच करता है। तो आप याद कर लो BB10 CO4। अगर आप उसको याद रख लेते हो तो आप ऐसे भी याद रख लोगे, वरना अगर आप मैपिंग करते हो तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले स्लाइड में आते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि झारखंड पांच राज्य से सराउंडेड है, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, और हर राज्य कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है मैंने यहाँ बता दिया है। अब चाहो तो शॉर्ट में से याद कर सकते हो BB10 CO4। ठीक है, अब यही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया यही मैंने इस स्लाइड में लिख रखा है कि बिहार को कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, तो 10 नाम मैं बता ही चुका था आपको। वेस्ट बंगाल को कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं? 10 मैंने अभी बता दिया है। उड़ीसा को कितना डिस्ट्रिक्ट टच करता है? 4 बता दिया है। छत्तीसगढ़ के भी 4 है और यूपी को 1, गढ़वा आपको नाम याद होना चाहिए। देखो जब मैप आपके दिमाग में होगा ना तो आप ऐसे ही बोल दोगे। अगर मुझसे पूछे कि उड़ीसा कौन कौन डिस्ट्रिक्ट टच करता है, भाई तो यहाँ देखो ईस्ट सिंहभूम है, सरायकेला खरसवान है, वेस्ट सिंहभूम है, सिमडेगा, यही तो 4 टच करता है। छत्तीसगढ़ को गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। तो भाई ऐसे आप बता सकते हो। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखो, देखो ये दोनों का नाम जरूर याद रखना, ये लोहरदगा और ये खूंटी, ये क्या थे? ये लैंड लॉक्ड स्टेट थे। कहीं आप लिख लो यार, भूल मत जाना, लैंड लॉक्ड स्टेट, सॉरी लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। झारखंड के लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो झारखंड में 2 लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन है? एक तो हो गया लोहरदगा और दूसरा हो गया खूंटी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा।
अब चलिए अपने स्लाइड पर हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो भी बातें करनी थी मैंने ये भी बता ही दिया है। अच्छा देखो, मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट एक पॉइंट लिख कर रखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड में कहाँ से पास करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड में उकरीड विलेज, जो कि हनुमान जी के रांची डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से पास करता है। तो ये तो देखो शॉर्ट में हो गया। ऐसा नहीं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिर्फ रांची से पास करता है, वो झारखंड के किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है हम अभी उस पर बात करने वाले हैं। सो आओ हम उसको देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो एक बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाने वाला हूँ। फिर हम बात करने वाले हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से मूव करता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो हमें क्या जानना है, क्वेश्चन देखो आपको किस तरह से पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा झारखंड के किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। और सिर्फ यही प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसको थोड़ा सा टफ करने के लिए क्या करेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा झारखंड के किस के डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है और वेस्ट टू ईस्ट उसका सीक्वेंस क्या है या ईस्ट टू वेस्ट उसका सीक्वेंस क्या है। अब बनता है सही प्रश्न, सही क्वेश्चन ये बना। तो अब पहले देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किससे करता है, फिर हम देखेंगे ईस्ट और वेस्ट है क्या। मैंने अभी आपको बताया था, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे पास करता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। तो देखो सबसे पहले ये किसको पास किया, ये सबसे पहले पास किया लोहरदगा को, उसके बाद पास किया ये गुमला को, उसके बाद पास किया सबसे पहले पास किया लातेहार को, उसके बाद गुमला को, फिर लोहरदगा को, उसके बाद रांची को, उसके बाद रामगढ़ को, और लास्ट में पास किया बोकारो को। अब आप ध्यान रखना ये जो सीक्वेंस है कैसा है, हम ये वेस्ट है ना, देखो ये वेस्ट है, वो ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करो, इस सीक्वेंस को भी शॉर्ट फॉर्म में याद करो, जैसे मैंने वहां क्या बताया BB10CO4, यहां आप याद रखो LGLRRB, तो सबको याद होगा LGLRRB, और इसको आप ऐसे कर लो, इधर लिख लो W, इधर लिख लो E। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछे कि वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो। अगर ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस क्या है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो झारखंड को क्रॉस करता है, वो जिन डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करता है उसका सीक्वेंस ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर हम आते हैं तो उन डिस्ट्रिक्ट का सीक्वेंस क्या होगा, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर आप जाएंगे तो बोकारो, रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, ठीक है। और अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो। तो आप इसको भी शॉर्ट फॉर्म में याद रख लो। अच्छा ये सब का नाम आप देख लेना, मैंने लिख दिया, वैसे मैं लिख दूँ क्या, चलो मैं लिख देता हूँ। ये पहला एल रिप्रेजेंट करता है, पहला हो गया लातेहार, देखो दूसरा क्या है गुमला है, तीसरा लोहरदगा है, चौथा क्या है रांची है, और रांची में कहाँ से उकरीड विलेज जो हनुमान जी में है रांची डिस्ट्रिक्ट में, फिर रामगढ़, और लास्ट बोकारो। तो आप याद रखना LGLRRB WE करके ऐसे आप लिख लो, इसको आप ऐसे लिख के सेव कर लो। वेस्ट टू ईस्ट पूछे तो इसको देखना, ईस्ट टू वेस्ट पूछे तो उसको देखना, मतलब पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व पूछे तो देख लेना। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैंने आपको बता दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड में किन किन डिस्ट्रिक्ट को कैसे क्रॉस करता है, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो इसको आप ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे, आई थिंक आज का लेक्चर भी अब खत्म ही होगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। हम इस स्लाइड को देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बात है, इसमें ये बताया गया है कि देखो झारखंड जब बना तो बिहार से 18 डिस्ट्रिक्ट को काट के बनाया गया था, ठीक है। झारखंड जब बना तो बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट को काट के बनाया गया था, तो उस समय तो 18 डिस्ट्रिक्ट थे, पर आज प्रेजेंटली झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आज टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब 6 नए डिस्ट्रिक्ट बने होंगे, 6 नए डिस्ट्रिक्ट बने होंगे। तो जो 6 नया डिस्ट्रिक्ट बना उसमें 2001 में 4 डिस्ट्रिक्ट बने, जिसमें पहला है लातेहार जो कि पलामू से टूट के बना, पलामू बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। दूसरा है जामताड़ा जो कि दुमका से टूट के बना। तीसरा है सिमडेगा जो कि गुमला से टूट के बना। और चौथा है सरायकेला खरसवान जो कि वेस्ट सिंहभूम से टूट के बना। हम सबको भी मैप में देख के समझेंगे, ठीक है। ये सब 2001 में बने थे, डेटा याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर आप देख लो। 2007 में दो और डिस्ट्रिक्ट टूट के बने, खूंटी टूट के बना रांची से और रामगढ़ टूट के बना हजारीबाग से। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट, मतलब नया डिस्ट्रिक्ट कौन कौन बना? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसवान, खूंटी और रामगढ़, ये 6 नए डिस्ट्रिक्ट बने। यही आपके नए डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 न्यू डिस्ट्रिक्ट। पहले 18 थे फॉर्मेशन के समय पे, ये 6 मिल गए, अब आज की डेट में टोटल 24 हो गया। तो बस आप याद रखना कौन कौन बना, लातेहार बना, जामताड़ा बना, सिमडेगा बना, सरायकेला खरसवान बना, खूंटी बना और रामगढ़ बना। लातेहार पलामू से टूटा, जामताड़ा दुमका से टूटा, सिमडेगा गुमला से टूटा, सरायकेला खरसवान वेस्ट सिंहभूम टूटा, खूंटी राजेश टूटा और रामगढ़ हजारीबाग टूट के बना। ये जो पहला 4 लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसवान, ये 2001 में बने थे और 2007 में दो नए डिस्ट्रिक्ट बने जिसमें खूंटी जो राजेश टूट के बना और रामगढ़ हजारीबाग टूट के बना। देखो मैं 3 से 4 बार इन चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। आप समझना, मैं जिस प्रकार से मेहनत कर रहा हूँ आपको इससे दुगना मेहनत करना होगा, तब चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब एक और चीज़ आप देख लो कि नंबर ऑफ सेंट्रल जेल इन झारखंड, झारखंड में कितने सेंट्रल जेल है? देखो यार 5 है और पांचों बहुत ही आसान है, आप नाम देखते बता दोगे कहाँ पे है। बिरसा मुंडा जेल कहाँ होगा? रांची में होगा। दुमका सेंट्रल जेल दुमका में होगा। जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल सबको पता है, जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग से एसोसिएटेड है तो हजारीबाग में होगा। घाघरी सेंट्रल जेल जमशेदपुर में है और पलामू सेंट्रल जेल, ये मेरा होम टाउन है, डाल्टनगंज या मेदिनीनगर में है, ठीक है। तो झारखंड में 5 सेंट्रल जेल है, एक रांची में है, एक हजारीबाग में, एक दुमका में है, एक जमशेदपुर में और एक पलामू में है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। कभी अगर पूछ लेता है कि जयप्रकाश सेंट्रल जेल कहाँ पे है तो हजारीबाग में, आपको इस तरह से इसको याद रख लेना है, ये 5 सेंट्रल जेल को और ये 6 डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है। आइए हम इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। देखो 2001 में 4 डिस्ट्रिक्ट बने, कौन कौन बने? पहला बना लातेहार, दूसरा बना जामताड़ा, तीसरा बना सिमडेगा और चौथा बना सरायकेला खरसवान। अब देखो ये लातेहार जो था ना, ये पहले पलामू का पार्ट था, पलामू का पार्ट था, तो पलामू को तोड़कर, ये पूरा पलामू था यहाँ से यहाँ तक, तो पलामू को तोड़कर पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना? लातेहार। अब देखो दुमका ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, आज भी है, तो दुमका को तोड़कर बना जामताड़ा, ये पहले पूरा दुमका था, ये तोड़कर बना दुमका से जामताड़ा। सरायकेला खरसवान ये वेस्ट सिंहभूम से टूट के बना, वेस्ट सिंहभूम बहुत बड़ा था तो उसको तोड़ के सरायकेला खरसवान बनाया गया। और सिमडेगा को देखो, गुमला भी काफ़ी बड़ा था तो सिमडेगा से बनाया गया। तो अगर आपको मैप दिमाग में है ना और आपसे पूछे कि ये किससे टूट के बनाया है तो आप मैप को देख के जज कर सकते हो यार। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बोकारो तो पलामू से टूट के नहीं बनेगा ना, क्योंकि पलामू यहाँ है, बोकारो यहाँ है, तो मैप में चीज़ों को याद रखने का यही फ़ायदा है। अब ऐसा तो नहीं, तुम नहीं बोल सकते हो कि गिरिडीह चतरा से टूट के बना होगा, देखो क्या डिस्टेंस है। अब कोई पागल ये भी बोल सकता है गढ़वा जो है साहिबगंज से टूट के बना। तो मैप अगर आप याद रखे हो तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को आंसर करने में। तो सबसे पहले झारखंड का जाओ, एक मैप कर दो, अब मैप में सारे डिस्ट्रिक्ट को प्लॉट करो सही से। अगर आप वो कर लेते हो तो आप बहुत सारे प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाओगे। तो 2001 में 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसवान। 2007 में 2 डिस्ट्रिक्ट बने, पहला बना खूंटी, दूसरा बना रामगढ़। देखो खूंटी किससे टूट के बना होगा? रांची से टूट के खूंटी बना, रामगढ़ टूट के बना हजारीबाग से। हमेशा बड़ा डिस्ट्रिक्ट को काट के एक छोटा डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, तो आपको देखने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम गाइज अपने लेक्चर को आज यहीं एंड करते हैं और
इस लेक्चर का पार्ट टू आने वाला है। आपको देखो, मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं सब अच्छे से पढ़ाई करो, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको ज्वाइन करो, क्योंकि मेरा जो भी कंटेंट है वो सब आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप जाके इसको ज्वाइन करो, क्योंकि हम सारा कंटेंट आपको वही देने वाले हैं। आई वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर, जिसका पार्ट टू आने वाला है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।